लास्ट कुछ मंथ से इंडिया में मेड इन इंडिया गेम्स को लेके बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर तरफ से एक के बाद एक मेड इन इंडिया न्यू गेम्स के बारे में अनाउंसमेंट होता ही जा रहा है। ऑल्दो दिस इज नॉट अ बैड इंडिकेशन, बट हर एक गेम तो पॉपुलर नहीं हो सकता ना, रियलिटी तो यही है। और ऐसा ही एक गेम है स्कारफॉल, जो आप लोगों ने थोड़ा ज्यादा ओवरहाइप्ड बना के रखा है। बट उससे पहले स्कारफॉल के बारे में जानना भी जरूरी है। स्कारफॉल गेम भी नॉर्मली बाकी सभी मल्टीप्लेयर गेम्स की तरह एक बैटल रॉयल गेम है, जिसको बनाया गया था पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इन सभी से इंस्पिरेशन लेकर उस तरीके का गेम बनाया गया था। 2019 में लॉन्च हुआ था, जो कि सूरत की एक गेमिंग कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम था एक्सक्वाड्स टेक प्राइवेट लिमिटेड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दो, अभी बहुत लोगों को यह वो इंडियन गेम है, उससे पहले स्कारफॉल नाम का गेम भी बहुत को पता नहीं था, और जिनको पता था उनको ये नहीं पता था कि ये गेम इंडियन गेम है। अचानक से दो गेम्स बैन होने के बाद से लोगों में इंडियन गेम्स के प्रति जब बहुत ज्यादा आकर्षण आना शुरू हो गया, तब लोगों ने ध्यान दिया कि अरे हाँ, स्कारफॉल तो भाई इंडियन गेम है, बढ़िया बात है, चलो फिर ट्राई मार के देखते हैं। अभी जो स्कारफॉल गेम था, ये अभी और आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेम टोटली शट डाउन कर दिया गया है। अब इसको करने के पीछे रीजन पर्टिकुलरली क्या है, वो तो किसी जगह पे मेंशन नहीं है, बट ये गेम प्ले स्टोर से हटने के बाद ही स्कारफॉल 2.0 गेम का आने का ऐलान हो गया, और ऑब्वियसली यही कंपनी बनाने वाली है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि मुझे बहुत गजब लगा, कि ये भी इसी साल आने वाला है। वैसे स्कारफॉल गेम इतना खराब भी नहीं था, और ये पॉपुलर नहीं हुआ था ये बोलना भी गलत होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ना इसका जो मंथली एक्टिव यूजर्स का संख्या जो होता था ना, वो 1 मिलियन के आसपास रहता था। एक्टिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ, सो इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट ये होने के पीछे का भी एक राज है। पिछले साल की अगर बात करूँ तो ऑब्वियसली फ्री फायर बैन हुआ, पबजी बैन हुआ, और लोगों को एक नए गेम की तलाश थी, और मैक्सिमम लोग इंडियन गेम्स की तलाश कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अपना सभी को बैन शब्द से बहुत डर लगने लगा, इसलिए हर कोई अब प्रोटेक्शन चाहता है, प्रोटेक्शन मांगता रहे बाबा वरना नहीं खेल सकते, इसीलिए इंडियन गेम्स की तरफ सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल अगर देखा जाए तो 2019 में गेम लॉन्च हुआ था, और उसके बाद से इतना खास भी कुछ पॉपुलर नहीं हुआ जिससे एक बहुत बड़ा क्रेज आ जाए गेम के ऊपर और लोग दौड़ने लगे इस गेम के पीछे। वैसे सच बताना, आपको पता था क्या स्कारफॉल गेम के बारे में? रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर पता चला, इससे पहले बहुत ज्यादा आपके पास भी इसके बारे में खबर था क्या? वैसे और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।